और एक चंद्र वंश है। यद्यपि ये सूर्य वंश में बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, चंद्र वंश में भी बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, लेकिन सबसे प्यारी कथा किसकी है? बोले सबसे प्यारी कथा भगवान राम और ये भगवान कृष्ण की। ये दोनों की कथा सबसे, इसलिए चंद्र वंश में भगवान कृष्ण राम आए, सूर्य वंश में प्रभु राम आए और चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण आए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री सियावर राम चंद्र की। देखो एक राजा हुए ब्रह्मा जी से कश्यप हुए, उसी परंपरा में एक राजा हुए जिनका नाम था श्री श्राद्ध देवमन। घर में सारे सुख है लेकिन घर में कोई संतान नहीं, राजा बड़े दुखी है। एक दिन उन्होंने वशिष्ठ जी को बोले, मैं घर में संतान चाहता हूँ, एक यज्ञ करवाए। अभी यज्ञ में जो पुरोहित लोग यज्ञ कर रहे थे, अभी उनकी पत्नी ने जाकर के बोले, देखो घर में अगर बेटी होगी ना फिर मुंह माँ की दक्षिणा मिलेगी, अगर बेटा होगा तो फिर हम कोई दक्षिणा दे देंगे। बैठ उसको दे दो छतरी, तो बैठ जा, बढ़िया हुई बात।
अगर कोई बेटा होगा तो भैया कोई दक्षिणा नहीं मिलेगी। पुरोहितों ने देखा भैया हमारा बढ़िया दक्षिणा से मतलब, देखो पहले का साइंस कितने एडवांस था, पहले का साइंस, ये छतरी को बंद करो, पहले का साइंस कितना, बेटा का मंत्र पढ़ करके यज्ञ करे तो बेटा होता था, बेटी के मंत्र पढ़ करके यज्ञ करते तो बेटी होती थी, ऐसे मंत्र शक्ति थी। पुरोहित ने देखा भैया थोड़ी सी मंत्र को हेर फेर करना, उन्होंने बेटा का मंत्र नहीं पढ़ करके उन्होंने बेटी की मंत्र पढ़े, फिर उनकी बड़ी सुंदरी एक कन्या जन्म हुई जिसका नाम रखे एला। इतने में राजा ने बोले वशिष्ठ जी को, बोले गुरुजी मैंने कहा था घर में एक बेटा हो, बेटी कैसे हुई? तो उन्होंने पुरोहितों को बुलाए, बोले भैया बेटा नहीं होकर के बेटी कैसे हुई? बोले इसमें हमारी कोई दोष नहीं, ये अपना घर में एक मत नहीं, इनकी रानी ने हमें बोले अगर बेटी होगी ना मुंह मां की दक्षिणा मिलेगी, इसलिए हमने बेटी की मंत्र पढ़ लिए। तब वशिष्ठ बोले देखो घर में जब बेटी आई ना, दुनिया कहते घर में मां लक्ष्मी आई, घर में कौन आई? लेकिन ये बेटा आए तो कोई नहीं बोलता है नारायण आया, इसलिए अच्छा हुआ घर में बेटी आई, ये तो लक्ष्मी स्वरूपिणी है। बोले नहीं ये तो बात की बात, लेकिन हमें बेटा चाहिए। देखो पहले ऋषियों को कितने शक्ति थी, उन्होंने जो बेटी थी ना वशिष्ठ ने बेटी को उन्होंने बेटा बना दिया, बेटी को उन्होंने जिसका नाम हो गया सुदुम्ना। जब बड़े हुए एक समय उन्होंने अपना सन्न सामत को साथ में भ्रमण करने के लिए जंगल में पहुंचे, जब उन्होंने एक जंगल में पहुंचे जितने घोड़ा सब घोड़ी, जितने सन्न सामत सब स्त्री, और ये जो था सुदुम्ना ये हो गई राजकुमारी, सबके सब सैनिक को देखे बोले भैया ये क्या हो गया, हमको सब बदल गए कैसे, और इतने शर्म लग रहा था वापस आने में उनको शर्म लग रहा था। इतने में फिर वशिष्ठ को श्री श्राद्ध देव मनु को पता चला मेरे बेटा फिर बेटा से फिर हो गई बेटी, राजकुमार से राजकुमारी हो गई, बोले ऐसे कैसे हो गया? वो जंगल था शंकर जी का, शंकर जी उसमें रहते थे। एक दिन चतुसर शंकर जी को दर्शन करने के लिए जब गए वो पार्वती को साथ में मिल रहे थे, और इतने में चतुसर पहुंच गए, मैया पार्वती तो इतनी लज्जित तो हो गई शंकर जी को, बोले ये कोई घर गृहस्थी है जिसका इच्छा हो मुंह उठा करके आ जाते हैं। शंकर जी ने अभिशाप दिया था आज से ये जंगल में कोई भी पुरुष आएगा तो पुरुष नहीं रहेगा, सबका सब स्त्री बन जाएगा, ये सबके सब स्त्री बन गए। फिर जब श्राद्ध देव को मन को पता चला फिर वशिष्ठ को बोले, फिर वशिष्ठ फिर शंकर जी को पास में आए, बोले हमारी बेटी को पुनः बेटा बना दो। शंकर जी बोले ऐसे नहीं हो सकता है, बोले ऐसे नहीं हो सकता है, बोले नहीं आप कृपा करो। शंकर जी भोले बाबा बड़े दयालु आशुतोष है, बोले एक काम कर सकता हूँ, आपका जो बेटा है ना एक महीना बेटा रहेगा और एक महीना बेटी, इतना तो कर सकता हूँ, बोले कम से कम इतना कर दो। देखो ठाकुर की क्या माया है, जब उसने बेटा बना, जब उसकी शादी हुई, उससे जो संतान हुई, उससे जो परंपरा चली वो सूर्य वंश चली है जिसमें भगवान राम आए। फिर जब उन्होंने बेटी बनी उसकी शादी बुद्ध को साथ में हुई, जो उसी समय जो गर्भधारण की जो संतान हुआ उसी से चंद्रवंश आए, और चंद्रवंश में हमारे श्री कृष्ण कन्हे आए। देखो ठाकुर का माया कैसा अद्भुत है, एक व्यक्ति से ही दो वंश चले, और दो वंश में हमारे सनातन धर्म के जो तो प्रभु और राम और जो कृष्ण, एक व्यक्ति से ही प्रभु राम और कृष्ण, ये प्रभु की एक अद्भुत माया है। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कथा आती है। जब कृष्ण कथा आई ना, श्री सुखदेव गोस्वामी ने जैसे टीवी में हम सीरियल देखते हैं उन्होंने पूरा ठाकुर जी को लीला को उन्होंने दिव्य रूप में उन्होंने दर्शन किया, दर्शन करके उन्होंने एक श्लोक बोल करके पूरी भागवत कथा सुना दिया, पूरी कृष्ण कथा, कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रकट हुए, कैसे गोकुल में गए तो जन्म हुए, तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया जोर से बोलो जय कन्हैया, कैसे कृष्ण पुतना अघासुर बकासुर को मारे, कैसे गिरिराज उठाए, कृष्ण कैसे रास रचाए, मथुरा में कंस को उद्धार की, द्वारका में 16108 पट रानियों से शादी की, हर रानियों से 10-10 बेटा एक एक बेटी हुई,
ऋषियों से उन्होंने अभिशाप को ग्रहण करते हुए प्रभास क्षेत्र में अपना अंतिम लीला को समाप्त करते हुए भगवान अपना धाम में चले गए। इतना बोल करके ना बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब लोग कोई जय कोई जय अगर है बोल रहे हैं। अभी ठाकुर जी आ रहे हैं ना, जितने जोर से जयकार लगाओगे ठाकुर जी उतना जल्दी से आने वाले। जोर से बोलो बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इतना बोल करके ना चुप हो गए। परीक्षित महाराज बोले क्या हो गया? बोले हो गया ना, पूरी कृष्ण कथा हमने सुना दी। बोले मैं तो चार चार दिन से टकटक लगा कर बैठा हूँ केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए। कृष्ण मेरे कुल देवता है, माँ की गर्भ में ठाकुर जी मेरे को रक्षा की। आप तो अगस्त मुनि जैसे एक चूल भर में संपूर्ण समुद्र पानी को पी लिया, आप ऐसे तो एक श्लोक में पूरा कृष्ण कथा सुना दिए। प्रश्न है, फिर उन्होंने एक श्लोक में कृष्ण कथा सुना दी। देखो इसका दो कारण बताया, ध्यान देकर सुनो। जैसे कोई एक प्यासी व्यक्ति एकदम जेठ की महीना एकदम धूप पड़ रहा है और धूप में आ रहा है और प्यास के मारे उसका हृदय फट रहा था, अगर एक ग्लास कोई जूस देगा ना वो क्या करेगा, पूरा के पूरा ढल करके एक ग्लास जूस को एक साथ में पी लेगा। कहते तो उसी तरह श्री सुखदेव गोस्वामी कौन है? बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चोंबनेना। ये जो सुखदेव गोस्वामी, ये श्री ही सुख है, ये राधा जी की प्रिय सुख है, इसलिए कोई साधारण नहीं। ये तो कृष्ण कथा के लिए तरस रहे थे, कब कृष्ण कथा आए, कब मैं कृष्ण कथा सुनाऊं। लेकिन जब उनको कृष्ण कथा आई, पूरा उन्होंने सीरियल में हृदय में कृष्ण छवि उतरने लग गए। उन्होंने एक श्लोक में ना पूरा के पूरा कृष्ण कथा गा लिया, पूरी कृष्ण कथा गा लिए। और गा करके बोले परीक्षित संतुष्ट हो गया कि नहीं, मैंने कृष्ण कथा सुना दी? बोले नहीं, मैं तो पूरी के पूरी कृष्ण कथा को विस्तृत रूप में सुनना चाहता हूँ। बोले देख चार चार दिन हो गया, अभी तक तो थोड़ा पानी तक अभी तुमने नहीं पी, थोड़ा पानी पी लो। बोले पानी के लिए तो जितना गड़बड़ी हुई है, इसलिए आपकी मुखार बिंद से कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी की जो नदी बह रही है उसी से मैं तृप्त हो रहा हूँ। कथा को बंद मत कराओ, कथा सुनाते जाओ, नहीं तो मेरे को प्यास लगेगी। फिर उन्होंने कृष्ण कथा सुनाई, इसलिए कृष्ण कथा बड़ा मीठा है। कद निभृत तस्सही रूप की मना, कद जो आत्मा में रमण करने वाले सुख सनातन आदि जैसे ब्रह्म ज्ञानी जब कृष्ण कथा को सुने, बोले कुर्बन अहित की भक्ति, सारे ज्ञान ध्यान को छोड़ करके कृष्ण भक्ति रस में सराबर हो गए। कद अगर ये भव सागर से कोई पार होना चाहते, सबसे मीठी दवा किया बोले भगवान की कथा है। इसलिए बोले तीन गंगा है, एक मंदाकिनी स्वर्ग में तो स्वर्ग लोगों को कल्याण करती है, एक मर्त्य जगत में मर्त्य लोग, एक पाताल जगत में ये भोगवती। जैसे तीन गंगा तीन लोगों को पवित्र करती है, कृष्ण कथा तीन लोगों को पवित्र करती है। बोले किसको? सुनने वाले, सुनाने वाले और पूछने वाले हैं, ये तीन लोगों को पवित्र करती है। जिस समय कंस ने बड़ा अत्याचार उन्होंने की, संतों को जेल में बंद कर दिया, बोले खबरदार मेरे राज्य में कोई भगवान का नाम नहीं ले सकते, कोई यज्ञ नहीं कर सकते, जेल में उनको भेज दिया सबके सब, मार मार करके। अभी जेल में संत लोग बैठी बैठी करके कृष्ण कीर्तन कर रहे थे, वह हे पालनहार हे तारनहार तू कब आकर के दुष्ट को तो विनाश करोगे। इसकी अत्याचार से पृथ्वी भी दुखी होकर के उसने ब्रह्मा जी को पास में, फिर शंकर जी को पास में, फिर इंद्र को पास में, सबके सब को लेकर के खीर समुद्र के तट पर इन लोगों ने पुरुष सुप्त मंत्र से ठाकुर जी को उन्होंने प्रार्थना की। आकाशवाणी हुई, हे देवताओं तुम्हारी दुख को मैंने समझ गया हूँ, तुम लोग जदुवंश में जन्म ग्रहण करो। हे देविया सबके सब तुम गोकुल में गोपी बन करके आओ, मैं जल्दी से जल्दी आ रहा हूँ। इतने में देवकी वसुदेव को साथ में कंस ने शादी करवाया। जब स्वयं सारथी बन करके विदा दे रहा था, रास्ता में आकाशवाणी हुई, बोले रे मुड़ा कंस जिस देवकी को तुम इतने आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो, इसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। कंस ने देखा ये देवता वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तलवार निकाल करके चोटी पकड़ के जब मारने जा रहा था,
वसुदेव ने देखा ये देववाणी कभी झूठी नहीं होगी। साम दाम दंड भेद नीति से समझाने के लिए कोशिश की, तभी नहीं समझा। बोले देख तू मेरे को जानते हो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। बोले हाँ। बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ सारे पुत्र तेरे को दे दूंगा, लेकिन ये देव जी को मारना नहीं, ठाकुर जी की इच्छा है। सबसे पहले पुत्र उन्होंने जब दिया, कंस का हृदय तो द्रवीभूत हो गया, अपना बच्चे को काल को हाथ में संतुष्ट हो गया। बोले ये बच्चे को तू ले जा, अष्टम गर्भ का संतान से मेरा मतलब। नारद जी ने देखा भैया गड़बड़ी हो गई। बोले क्यों? बोले भगवान तभी आएंगे जब पाप की घड़ा भरेगी, अब इसकी हृदय में तो दया की भावना आ रहा है, ठाकुर जी आने में देर करेंगे। इतने में श्री नारद जी बास बिना बजाते बजाते नारद जी अवतीर्ण होते हैं। बोले कंस अभी अभी मैं स्वर्ग लोक से आ रहा हूँ, देखा पितामह ब्रह्मा देवता को लेकर के मीटिंग कर रहे थे, विषय था तेरे को कैसे मारेंगे। सावधान, ये जितने जदुवंशी और कोई नहीं देवता है, जितने गोपियां सब देवी हैं, ये सब प्लानिंग करके ना तेरे को मारने के लिए आए हैं। तब उन्होंने कमल फूल लाए थे, बोले बताओ तो इसमें एकवा नंबर कौन, और जिसमें आठ पंखुड़ियां थी बताओ उसमें आठवां नंबर कौन एकवा नंबर कौन। बोले एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। बोले उल्टा गिनो। बोले एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। बोले समझ गया। बोले गुरुजी तो बताएंगे क्या बात है। बोले बेटा ये देवताओं का वाणी समझना कठिन है, तू तो इधर से एक दो कर रहे हो, अगर वो उधर से उल्टा से करे ना, जो एक कर रहे हो जाएगा आठ। जब ये बच्चे जन्म लेंगे आठ बच्चे सब मिल करके तेरे को मारेंगे। बोले गुरुजी पर सबको मार दूं। बोले भैया मैं क्यों बताऊं, तू जानता तेरा बात जानता। भड़का दिया उन्होंने कंस को, और उन्होंने बिना उठाए बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल। कंस ने एक एक करके छह बच्चों को मार दी। तब हमारे टीकाकर कहते हैं भैया नारद इतने बड़े संत ही ये सब काम क्यों करवाए। बोले नारद जी को पता है ये पूर्व जन्म में ब्रह्मा का ये मानस पुत्र मर चुका। एक समय ब्रह्मा ने एक लड़की को जन्म दिए सृष्टि की, वो लड़की इतने सुंदर थी, ब्रह्मा अपना बेटी को बुरा आसक्त हो गई, उसको पीछे भागे। इन लोगों ने हंसी उड़ाई, देखो ये बुढ़े को अपना बेटी को पीछे भाग रहा है। तो ब्रह्मा जी इनको अभिशाप दिए, बोले तुम लोग मेरे खिली उड़ाए, अपना पिताजी को हाथ में तीन जन्म मरने का बाद मुक्ति मिलेगी। इनकी दो जन्म हो चुका है, वही काल नेमी के पुत्र रूप में थे, वही काल नेमी कंस बन करके आए, और जितने जल्दी मरेंगे इनकी उतना जल्दी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए उन्होंने छह बच्चे को मार दिए। तब हमारे टीकाकार कहते तो भैया छह बच्चे कौन है, कहते अष्टम गर्भ में ये भगवान कृष्ण आए। बोले अष्टम गर्भ में क्यों आए, इसका क्या रहस्य है। इसका दो कारण बताएं। पहला कारण बताएं जो छह बच्चों को मारे ये छह बच्चे कौन है। बोले काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य। कहते हृदय में अगर प्रभु को बैठना चाहते हो पहले इनको मारो। बोले कंस क्या। बोले भाई कंस ये भाई क्यों, हम भाई सही भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए पहले कंस को द्वारा भय से छह बच्चों को मारो। फिर सप्तम गर्भ षष्ठ गर्भ में ये बलदेव प्रभु। बोले ये बलदेव प्रभु कौन है। बोले ये संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता स्वयं पृथ्वी स्वरूप, जो भगवान को धारण करने वाले ये बलदेव प्रभु। इसलिए सप्तम गर्भ में श्री बलदेव प्रभु, फिर अष्टम गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आते। कहते ये एक अर्थ है। इसका दूसरा अर्थ बताए ये अष्टम गर्भ में क्यों आए। बोले भक्ति का आठ सोपान है, सीढ़ियां हैं, भक्ति की आठ सीढ़ियां हैं। जो अष्टम जो सोपान है कहते ये प्रेम है, और जो पहला जो सोपान अभी ध्यान देते सुनो, पहला जो सोपान है ये श्रद्धा। सभी के हृदय में श्रद्धा है तभी आप लोग यहाँ पर बैठे हो, श्रद्धा नहीं होता तो कोई नहीं आती। भक्ति का ये पहला सीढ़ी, उसको बाद में साधु संग श्रद्धा से बैठे, फिर साधु संग कर रहे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो। बोले जो तीसरा, बोले भजन क्रिया। बोले भजन क्रिया मतलब जब सत्संग मिलता है फिर हमें पता चलता भैया मैं कौन हूँ,
हमने आया कहाँ से, फिर हमें जाना कहाँ है, फिर ये जो दुनिया देख रहे, फिर ये दुनिया है क्या चीज, ये आत्मज्ञान होता है। फिर हमें पता चलता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी। इसलिए जो जीव है सबके सब भगवान की हम अंश है, उनकी संतान है, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जब ये चीज पता चलेगा फिर हम क्या करते हैं, फिर भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं। क्यों? भक्ति के द्वारा ही माया से पार होकर भी जाएगी। इसलिए यदि जो चतुर्थ जो स्टेज है भजन क्रिया, जब तृतीय स्टेज भजन क्रिया, जब भजन करते हैं फिर हमारे हृदय में चतुर्थ जो स्टेज है, जो अनर्थ है, असत तृष्णा अपराध तत्व भ्रम है, जो ये काम क्रोध लोभ, जब भजन करेंगे तब हृदय से, फिर ये धीरे धीरे हृदय हमारी निर्मल होता है। होने पर उसको बाद में आती है रुचि। बोले रुचि का मतलब क्या होता है? रुचि मतलब होता है बढ़िया। जैसे कोई घर में बढ़िया चीज बना, बोले भैया और थोड़ा दो और थोड़ा दो और थोड़ा दो। रुचि मतलब होता है भगवान के भजन में जो टेस्ट हमें आती है। हाँ देखो, ध्यान देकर सुनो, लेकिन देखना हमारी जो टेस्ट है ना, अगर कोई फिल्म का कोई पिक्चर आ जाए सीरियल, देखना तीन तीन घंटा तो बैठ कर देख लेते, झूठे चीज है ये। बताओ सिनेमा क्या चीज है? झूठ मूठ चीज का एक रूपक दे दिया, तीन तीन घंटा तो बैठ कर हम देख लेते हैं। लेकिन किसको बोलो भैया एक माला तुम जप कर जिसमें शांति सुख मिलेगा, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, ये माला नहीं कर पाते। अभी श्री रूपक स्वामी एक सुंदर उदाहरण दिया, देखो इस चीज को कम से कम आप लेकर के जाना। आप लोग मिश्री खाए हो? कौन कौन मिश्री जीवन में खाए, हाथ उठाओ। आप लोग बताओ मिश्री कैसे लगता है? मीठा। लेकिन ये मिश्री कभी किसको कड़वा भी लगता है? आप बता सकते हो मिश्री किसको कड़वा लगती है? बोलो बोलो, जिसको पीलिया की जंडिस की बीमारी हो जाए ना, वो जो कुछ खाए उसको कड़वा लगेगा। लेकिन डॉक्टर पहले, और कोई इतना दवा नहीं होता था, डॉक्टर बोलता देख बेटा ये मिश्री तो मीठा है लेकिन तेरे को मिश्री मीठा नहीं लगेगी, कड़वा लगेगी। क्यों? अभी तुमको जंडिस पीलिया की बीमारी। लेकिन मिश्री चूसते रहना, चूसते 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 चूसते, जब धीरे धीरे तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी ना, फिर मिश्री तुमको मीठा लगने लग जाएगी। और जब मिश्री तुम्हें मीठा लगने लग जाए, समझना तुम्हारी बीमारी सही हो गई। इसलिए कहते हैं देखो, भगवान का जो नाम, ठाकुर जी का जो भक्ति, भगवान का नाम इतने मीठा दुनिया में कुछ है ही नहीं। भगवान के नाम में जो मीठा, सबसे ज्यादा मीठा भगवान के नाम। लेकिन अभी हमें मीठा नहीं लग रहा है, अभी भगवान का नाम हमें कड़वा लगता है। हम 5 मिनट में बैठे में करके एक माला नहीं जप कर सकते। क्यों? ये सब पाप है, ये हमारी पूर्व जन्म की अपराध और पाप है। पर करने क्या चाहिए? तो रूप गोस्वामी कहते हैं भैया इच्छा नहीं करने पर भी माला लो, लेकर के बैठो, प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक हरिनाम करो। जितना परिमाण हरिनाम करते जाओगे उतना तुम्हारी पाप धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। फिर एक दिन इतने टेस्ट आएगी नाम में, तुम्हें इतने मीठी लगेगी, दुनिया छूट जाएगी, लेकिन प्रभु की भक्ति नहीं छूटेगी। जैसे मीरा है, जैसे मीरा है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं तुंडे तांडवी निमित वितनुते तुंडा बलि लब्धे। ये जो कृष्ण जो 2 अक्षर में भगवान क्या मीठा दे दिया, जब जीहा में उदय होता है लगता है करोड़ों करोड़ जीवा क्यों नहीं दिया, कान में प्रवेश करता है कहते करोड़ों करोड़ कान क्यों नहीं दिया, ऐसे लगेगी। इसलिए कहते इसका रुचि। उसको बाद में छठवां स्टेज है निष्ठा। निष्ठा मतलब क्या? ध्यान देकर सुनो, निष्ठा मतलब होता है भक्ति में इतने पक्के बन जाते हैं, वे माला नहीं जप करना, वहां बैठो, आज माला नहीं करना, कल करेंगे। इसलिए कहते हैं उसको बाद में निष्ठा। इसको ध्यान देकर सुनो, निष्ठा मतलब होता है भक्ति में पक्के बन जाना। भले ही सारा दुनिया छूट जाएंगे लेकिन भगवान की माला कभी जिंदगी में नहीं छूटेगी, भगवान की भक्ति कभी जिंदगी में नहीं छूटेगी। आप लोग मीरा का नाम सुने होंगे, कितने उसके ऊपर विपत्ति आई, पति जेठ देवर उसका सारा परिवार उसको विरोध बन गए। बोले क्या तू राज रानी होकर के संतों के बीच में भगवान की नास्ती कूदती रहती है, सारा दुनिया विरोध हो गए। लेकिन मीरा ने भगवान की भक्ति कभी उन्होंने जिंदगी में नहीं छोड़े। लेकिन अभी किसकी दुनिया में नाम हो रही है? मीरा की नाम होती है। ये दुनिया विचित्र दुनिया है। देखना बच्चे सिगरेट फूके शराब पिए ना कोई कुछ नहीं भूलेगा, लेकिन गला में कंठी तिलक पहन ले, बोले कोई उम्र तेरा भजन करने की, ये कोई उम्र तेरे भजन करने की,
गलत रास्ता में जाए दुनिया कुछ नहीं बोलता है, लेकिन भक्ति मार्ग में जाए ना तीनों बाधा सबके सब तुम्हारी टांग पकड़कर खींचना शुरू कर देंगे। कहते देवता लोग भी उनको टांग पकड़कर खींचना शुरू कर देते हैं। देवता ईर्ष्या होता है, बोले क्यों, बोले ये बोलो के वृंदावन कैसे जाएगा साधारण भक्त जगत में। इसलिए निष्ठा, उसके बाद में भाव, फिर प्रेम। भावावस्था में, भावावस्था की लक्षण बताए, कभी कभी भगवान की बंसुरी की मीठी मीठी आवाज सुनने को मिलेगी, कभी कभी ठाकुर की चरण की नुपुर की छमछम आवाज सुनने को मिलेगी, कभी कभी ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर जी आकर को स्पर्श किए उनको रोकट खड़े हो जाएगी, कभी कभी ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर जी आए उसको अधरा मृत मिला कर गए, अपना होठ को चाटना शुरू कर जाएगा, किसने मेरे को अधरा मृत मिलाया। कभी कभी भगवान साक्षात प्रकट होने पर उनके तेज से आंख चकाचौंध हो जाएगा। कहते ये भाव का लक्षण। और प्रेम में अष्टम स्टेज में प्रेम है, भगवान साक्षात तुम्हारे सामने बास बांके बिहारी ठाकुर जी साक्षात प्रेम में प्रकट हो जाते हैं, सामने दर्शन देते हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए भगवान अष्टम गर्भ में आए, अभी श्री ठाकुर जी आ रहे हैं, अभी भगवान आ रहे हैं, संपूर्ण वृंदावन दुल्हनी का भांति सज गई, क्योंकि साधारण कोई प्राइम मिनिस्टर आए उसके लिए कितने स्वागत, क्या सजाते हैं, विश्व ब्रह्मांड का मालिक आ रहे हैं। कहते अतः सर्व गुण भेद काल परम सबन, एक साथ में छह ऋतु प्रकट हो गए, कमल फूल खिलता है दिन में लेकिन रात में कमल फूल खिल गई, जुई बेली चमेली जो दिन में खिलने वाले वो सब के सब रात में ठाकुर की स्वागत करने के लिए खिल गए। यमुना की तो इतने आनंद कलकल कलकल नाद से यमुना प्रवाहित हो रहे हैं, बोले क्यों, ठाकुर जी मेरे को अपना पटरानी बनाएंगे, सखी बनाएंगे, ठाकुर जी जल विहार करेंगे। बोले श्री यमुना महारानी की जय हो। कहते जो दूसरे दूसरे जो नदियां थी ना वो भी प्रसन्न हो गए, बोले क्यों, वो भी खुश हो रहे हैं। बोले सबसे बड़ी बहनी है यमुना, ये दूसरे दूसरे नदियां उनकी छोटी बहनी, जब कृष्ण की यमुना को साथ में शादी होगी ये इनकी साली बन जाएगी, छोटी छोटी बहनी साली बनी जाएंगी। देखना कभी कभी दामाद पत्नी से सालियों को ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए नदिया सोच रहे हैं श्याम सुंदर हमें भी प्रेम करेंगे। इसलिए कृष्ण अष्टमी का रात में कृष्ण आए, लेकिन चंद्रमा आधी है, लेकिन आज चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा रूप में सख पूर्ण चंद्रमा रूप में प्रकट हो गए, बोले क्यों, बोले ठाकुर जी आज मेरे वंश में आ रहे हैं। और आकाश में काला मेघ छा गया, काला मेघ आकाश में छा गया और रगड़ शब्द बिजली चमक रही थी उस समय। देखो मेघ होता है नीचे और चंद्र होता है ऊपर में, अभी चंद्र और मेघ में लड़ाई शुरू हो गई। चंद्रमा ने कहा मेघ मेरे सामने हट जा, बोले क्यों, बोले तेरे को पता नहीं ठाकुर जी आज मेरे वंश में आ रहे हैं। मेघ ने कहा तेरे को पता नहीं ठाकुर जी मेरे रंग लेकर के कलर लेकर के आ रहे हैं, बोले तेरे कलर लेंगे लेकिन वंश में तो मेरे आएंगे ना, तेरे से ज्यादा सौभाग्य मैं हूँ। वो लड़ाई कर रहे थे, देवता लोग बोले भैया अभी लड़ाई का समय नहीं, अभी तो आनंद लेने का समय, उसको भी आनंद की ना, उसको भी सौभाग्य दो, तुम भी सौभाग्य लो। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं आकाश में जब काला मेघ छा जाए चार व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। ध्यान देकर सुनो, कल आपसे पूछूंगा, देखूंगा कौन उत्तर दे सकता है। चार व्यक्ति प्रसन्न होते हैं, बोले कौन, बोले सर्वप्रथम किसान खुश होता है, बोले क्यों, बोले किसान जब खेती करता है अगर मेघ नहीं होगा तो क्या होगा, सारे किसान खत्म हो जाएगी, अगर आकाश में मेघ देखना किसान खुश हो जाता है। बोले किसान कौन, बोले पितामह ब्रह्मा जिन्होंने जगत को सृष्टि की, लेकिन दैत्य लोग आकर के सारे सृष्टि को ध्वंस करने में लगे हुए, पितामह ब्रह्मा बड़े दुखी थे, लेकिन कृष्ण आकर क्या करेंगे, बोले परित्राणाय साधु नाम बिना साय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे। ठाकुर जी आकर सबको विनाश करेंगे। दूसरा व्यक्ति कौन खुश होता है, कहते मयूर। अब देखना मयूर कब नृत्य करता, जब आकाश में मेघ छा जाए गड़गड़ शब्द हो तभी मयूर पंख खोल करके नाचता है। कहते यहाँ मयूर कौन, बोले नीलकंठ श्री भोले बाबा, इनकी कथा कल सुनेंगे कैसे भोले बाबा भी दर्शन करने आता है। तीसरा व्यक्ति कौन संतुष्ट होता है, बोले चातक। एक चिड़िया होता है कि बच्चों को मना कर बात नहीं करे, इसलिए एक चिड़िया होते हैं चातक, ये किसी नदी का पानी और किसी तालाब का पानी नहीं पीता है, तभी पानी पिएगा जब स्वाधी नक्षत्र बारिश हो। बोले यहाँ पर चातक कौन,
बोले नारद आदि भक्त वृंद है, अभी ठाकुर जी आकर के कितने सुंदर लीला करेंगे, ये संत लोग कृष्ण कथा सिवाय और किसी कथा को नहीं सुनते हैं, ये मत कथा चिंता बधयंत परस्पर, केवल प्रभु कथा में डूबे रहते हैं, इसलिए नारद आदि भक्त वृंद खुश हो गई। चौथा व्यक्ति कौन खुश हुआ, ताबा नल में दग्ध हाथी, जब किसी जंगल में आग लग जाए हाथी को बड़ा कष्ट होता है, लेकिन वहां फायर ब्रिगेड काम नहीं करता है, अगर बड़ी जोर से तेजी से बारिश ही होना तभी जाकर का आग बुझती है, इसलिए यहाँ पर ताबा नल में दग्ध हाथी को अंदर देवता थे, कभी वहां पर भी दैत्य लोग आक्रमण करते हैं, लेकिन जब देखा कृष्ण रूपी मेघ आकाश में छा गया, जो ठाकुर आने वाले हमको रक्षा करेंगे, इसलिए सारा दुनिया प्रसन्न हो गए। अभी भगवान सर्वप्रथम वसुदेव के हृदय में प्रवेश करते हुए उनके हृदय से उन्होंने देवकी को हृदय में प्रवेश किए, इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन जन्म कर्म चमे दिग्गम, हमारी जन्म कैसे हुआ, पिता माता की मिलन शुक्र जन्म हमारी है, हमारी पंचभूत की शरीर है, लेकिन भगवान की जन्म ऐसे नहीं, बोले जन्म कर्म चमे दिग्गम, शुक्र जन्म भगवान की नहीं है, भगवान की जन्म कर्म दिव्य अवलौकिक है, भगवान पहले देवकी वसुदेव का हृदय में आए, फिर इनके हृदय से देवकी के हृदय में ठाकुर जी गए, कंस देख करके डर गए, मेरे काल आने वाले, अभी उसको नींद नहीं आ रहा है, हमारे ये काल आने वाले हैं, अभी ठाकुर जी आने वाले, सारे देवता लोग आकाश मार्ग में आकर के बोले सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सजोनी निहितम च सत्य सत्य स सत्य अमृत सत्य नेत्रे सत्तात्मकत्वाम शरणम प्रपद्ये, तैतृश करण देवता भगवान को सत्य सत्य बोल करके भगवान को स्तुति कर रहे थे, बोले हे प्रभु जो तेरे चरणों को आश्रय करते हैं भव सागर से आसानी से पार हो जाते हैं, लेकिन तेरे चरण को छोड़कर ज्ञान कर्म योग में जो जाते हैं बड़ी कठोर परिश्रम करके बड़े उच्च गति को प्राप्त करने पर उनका पतन होता है, लेकिन भक्तों का कभी पतन नहीं होता, वो तो काल के सर पर विघ्न के सर के ऊपर प्यार रख करके भक्ति पथ में अग्रसर करते हैं, सारे देवता स्तुति कर रहे हैं, अभी ठाकुर जी अभी आने वाले सारे देवता प्रभु की स्वागत कर रहे थे, हम भी थोड़ा स्वागत कर देते, आप लोग मेरे पीछे पीछे थोड़ी सी ताली बजाते हुए ठाकुर को स्वागत करो, भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के ठाकुर जी देवकी वसुदेव को कारागार में ठाकुर जी चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हुए, वसुदेव बोले प्रभु आपको तो मैंने अपना संतान रूप में प्रार्थना की थी, आप तो घुंघराले के चमकीले चमकीले वस्त्र चतुर्भुज और शंख चक्र लेकर के क्यों आए, बोले इसलिए शंख चक्र लेकर के आया हूँ, अगर मामा कुछ बोले ना छे छे भाइयों को मार डालेना, अगर मामा कुछ बोलेंगे तो छोड़ूंगा नहीं, इसलिए पहले से मैंने श्रद्धा जगह के आया हूँ, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, बोले पूर्व जन्म में तुम दोनों प्रश्न सुत पाते कठोर तपस्या की 10,000 साल तक सूखे पत्ते पत्ते खा करके भजन की, मैंने कहा क्या मांगो, बोले आप जैसे के बेटा चाहिए, मैंने कहा भैया मेरे जैसे तो कोई नहीं, मेरे जैसे मैं हूँ, देखो अभी मैं छोटा बच्चा बन जाऊंगा तो हमको लेकर के गोकुल में ले जाना, वहां पर एक बेटी जन्म हुई और हमें रख करके बेटी को ले आना, बोली हथकड़ी बड़ी पड़ी हुई पहरादार जगे हुए बड़े बड़े ताला कैसे होगा, बोले केवल एक काम कर दो मेरे को अपना सर पर रख लो, देखना सारे बंधन तुम्हारी मिट जाएगी, मतलब क्या है अगर हम कुछ काम करते हैं घर में सबसे पहले ठाकुर जी को लो, घर में कोई फंक्शन होता है ऐसे नहीं सारा दुनिया को बुला करके उल्टा पुल्टा पिक्चर का गाना ऊपर नाच रहे हो, लेकिन जो ठाकुर जी भूखे बैठे हैं उनको खिला नहीं रहे, सारा दुनिया को खिला रहे हो, आप बच्चे का बर्थडे मना रहे हो, बच्चे के लिए तो बढ़िया कपड़े लता ले आए, ठाकुर जी एक वस्त्र से 10 दिन से पहन कर बैठेंगे नहीं, पहले ठाकुर जी के लिए करो उसको बाद में फिर दुनियादारी के लिए करा करो, ठाकुर को जितने आप श्रृंगार करोगे ठाकुर को जितने सजाओगे ना अपनी आप सज जाओगे, ठीक है ना, इसलिए अभी उनको ले जा रहे थे, रिमझिम बारिश हो रही थी, भगवान अनंत देव रूप में रक्षा कर रहे थे, जब यमुना नदी आई अभी यमुना भी चाह रही है ठाकुर का चरण स्पर्श करे, गले तक पानी आ गया,
वसुदेव महाराज डर गए, बोले भैया कोई हो तो ले लो लाला को। तो अभी भी एक गांव है उसका नाम कोले। इतने में ठाकुर जी पीछे चरण बढ़ाए, यमुना जी चरण स्पर्श करते हुए नीचे चली आई, जोग माया के सियार बनकर के चार हो गई। बोले इतनी सी पानी दर्शन में पार होकर चले गए। हाँ अभी ठाकुर जी आ रहे हैं, हम सबके सब भैया देवो की वसुदेव जसोदा भैया कन्हा को लेकर के आ जाओ, आ जाओ इसको लेकर के। भोली नंद के लाला की जय, भोली मैया की छोरा की जय, भोले विश्वानों के जवाई की, के आज बरखी सी ब्रजदार बनी, और गुंजिया से गीत थोड़ा सा साइड हो गया प्लीज। जैसा भी आता है टूटा छोटा था, सभी नाचेंगे बड़े भाव से। Hola, chicos, ¿cómo están?
Let me know.
देखिए हमारी माताएं कह रही है कि एक भजन सुनाओ जीव श्याम गाना, लेकिन यहाँ पर कोई नाच नहीं रहे। देखो भागवत में कहते हैं बोले ब्रह्मा जन्म भाजो, कभी ये पेड़ क्यों हुए हैं? तो इसलिए सब पेड़ हुए भगवान की भजन कीर्तन में नाचे नहीं, कहते हैं कि इनको पेड़ बना दिए। कहते हैं कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। सच्चा पागल तो हो जो पागल बागे बिहारी का। तो जरा तो हाथ उठा के बताएं मुझे कि मेरे ठाकुर के पागल कितने हैं, हाथ उठा के बताएं जरा, जिनको हाथ दिए दोनों हाथ उठाए। बड़ी भाव से अपनी जगह पर खड़े होकर नृत्य करेंगे। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, अरे पीली तेरी पगड़ी रख।
I'm
बच्चों की चीज है, बच्चों की। लो बच्चा, ए हरे कृष्णा। Let's go.
आज जो प्रसाद सेवा है वह कपूर और श्री राजकुमार ये दोनों ने आज प्रसाद की व्यवस्था की। आप इनके जोरदार ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ। ठाकुर जी उनको भक्ति दे, शांति सुख दे। ये जो दोनों का नाम लिया आप ऊपर आ जाओ। ये कौन है? महक और राजकुमार, ये दोनों आ जाओ। जय जय राधा कृष्ण जुगल आरती कराए ललिता दि शशि गाना, आरती कराए ललिता दि शशि गाना। भजन मोहन रूप त्रिभुज सुंदरा, भजन मोहन रूप त्रिभुज सुंदरा। पीताम्बर सिख भुज चूड़ा मनोहर, पीताम्बर सिख भुज चूड़ा मनोहर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल 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 गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। मितलीला प्रभु शशल भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय। मितलीला प्रभु शशल भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। मितलीला प्रभु शशल भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। मितलीला प्रभु शशल भक्ति वेदांत बाबा गोस्वामी महाराज की जय। मितलीला प्रभु शशल भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। मितलीला प्रभु शशल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। सपरिकर शिल प्रभुपाद की जय। माधव प्रिय प्रभु की जय। अन्य अन्य भक्त वृंद की जय। जय श्री राम। श्रीमद भागवत कथामृतम की जय। सुखदेव गोस्वामी की जय। गीत महाराज की जय। कथा सुनने वाले भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राम। हाँ सबके सब प्रसाद लेकर ले जाइए।
इसे बंद कर, बंद कर, ये लाइव को बंद करना चाहिए। इधर आओ, जो नंद बाबा इधर आ जाओ, नंद बाबा भैया जसरा इधर आओ, नहीं कर दिए, ये ले पकड़ ऐसे ले जाना वहीं पे, आज नियम भैया टेंट का कौन देख रहा है? यही थे, कहाँ है टेंट वाले, कौन है एक बार बता देंगे, मेरे को दिखा देंगे, दिख रहे अभी तो यार यही खड़ा देखा था उसको, बाहर का देख मौसम हो यार, ये उसी के नाम पे जिनको फंक्शन है, मेरे को जो थोड़ा आईडी मालूम नहीं है, भारत नहीं काली कालू की आईडी नहीं मालूम ना, आईडी क्या वो आईडी डाल दे तो देखते रहते, लाइव दिखा रखा था कम से कम 150 बंदे देख रहे थे लाइव में। अच्छा कौन सी जगह का ये था लाइव का, बाद में ले लूंगी ना, चैनल पे फेसबुक पे। आप कौन से स्टूडियो सर? ये घर का ही काम है अपना, ये फ्रेंड सर्कल नहीं है सारे। अरे पकड़ कालू का नहीं आ रहे उनको, कुछ जय करी जय नहीं करनी
बस लाइव चल रहे थे वहाँ पे अमरीका में। जय करो, हेलो करो, हेलो कर दो, नई जनरेशन हेलो करती है ना। सही कर, नमस्ते जी करती है। अरे कहाँ गए, इसको बंद कर दिया नहीं तेरा कानून? कानून मिला कहाँ है, कैसे करूँ यार, मुझे पता नहीं, मैं कभी पता लगा रिकॉर्डिंग उड़ गई इसकी। डन कर देना अगर हो जाए तो। नहीं नहीं लाइव फिनिश है। हाँ फिनिश कर दोगे तो लाइव लगा रखा उन्होंने।